नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचना। स्वच्छ शहर इंदौर में मिनी मुंबई की तर्ज पर अब जहां कई बड़ी फिल्मों एल्बम की शूटिंग्स हो रही हैं, तो वहीं इसी कड़ी में मालवा दर्शन पर आधारित एक गाने की शूटिंग इंदौर के रीगल तिराहे पर आज हुई। एल्बम के प्रोड्यूसर राजेश मिश्रा और डायरेक्टर निर्भय चौधरी ने बताया कि कई ऐसे गाने बना चुके हैं जहां मालवा की संस्कृति और मालवा दर्शन पर आधारित उनकी कंपनी रुक्मणी प्रोडक्शन द्वारा मालवा को समर्पित गाना मालवा में आकर देखो जैन धाम की शूटिंग इंदौर शहर में राजवाड़ा गांधी हॉल जाना पाव सहित शहर के मध्य रीगल तिराहे पर की गई। बग्गी में सवार होकर टीवी कलाकार सुमन गुप्ता और अभिनेता रुद्र कुमार ने अभिनय किया। मालवा दर्शन और संस्कृति पर आधारित गाने को सिंगर सिंह जीत और आयुषी मुस्कान ने गाया है। वहीं राधे यादव के लिखे जाने में धर्मेंद्र भदौरिया ने संगीत दिया है। मालवा के ऊपर हमने गाना बनाया है, जैसे मध्य प्रदेश पे बनता है, हिंदुस्तान पे बनता है, वैसे ही अपना मालवा शहर जो है, मालवा जो है, जो उज्जैन इंदौर मंदसौर सब जो मालवा में आता है, उसके ऊपर हम ये गाना बना रहे हैं जो पूरा मालवा पे ही केंद्रित हो गया। कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस? इसमें रुद्र कुमार और धार्मिक चैनल के मुख्य अभिनेता जो रुद्र कुमार जी हैं और सुमन गुप्ता टीवी एक्ट्रेस, वो इसमें अदाकार हैं। ये मुंबई से आए हैं और ये चूँकि गाना हमने काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ था और इसकी शूटिंग हम मालवा में ही करना चाहते हैं, तो इसमें उज्जैन हमने एक स्थल ही लिया है। उज्जैन के बाद में इंदौर है, इंदौर के बाद जाना पाव हमें अभी जाने वाले हैं, जाना पाव में इसको फिल्माएंगे हम ऐसा। और बाबा अम्बेडकर जी का उद्देश्य इस गाने का और क्यों कहाँ रिलीज होगा? इस गाने का उद्देश्य ये है कि जैसे अपना मध्य प्रदेश में जैसे इंदौर का नंबर वन अपना जो हो रहा है स्वच्छता में, वैसे ही ये मालवा जो है, मालवा एक बेल्ट होता है जिसमें अपना इंदौर उज्जैन मंदसौर ये सब बेल्ट आता है, तो इस बेल्ट को हमको हाईलाइट करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी लोकेशंस है, इनको हमको हाईलाइट करना है, तो इस हिसाब से हमने मालवा का गाना हमने बनाया। सर, सबसे पहले तो इंदौर शहर हमारा बहुत बधाई का पात्र है कि इंदौर शहर सातवीं बार स्वच्छता में प्रथम आया है। हम लोग मालवा दर्शन पर काम कर रहे हैं, मालवा दर्शन पर एक गाना बन रहा है और उसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं और मालवा का जो क्षेत्र है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं अपने इस दर्शन के माध्यम से। देखिए, प्रदूषण भी बहुत फैला हुआ है आजकल और इंदौर क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर है तो इंदौर प्रदूषण मुक्त भी होने वाला है या होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसमें सभी काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, मीडिया बंधु काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता काम कर रही है, पब्लिक काम कर रही है और इसलिए हम घोड़े बक्की पे निकले कि हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त भी होना चाहिए। तो जैसे आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, क्यों सुमन जी? सुमन जी बताएंगे आप कुछ। मैं रुद्र कुमार। हाय, नमस्कार, मेरा नाम सुमन गुप्ता है, मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, आपने कई सारे शोज में मुझे देखा होगा और आज मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ मेरे को एक्टर रुद्र जी के साथ में ये गाना जो है जिसका नाम है मालवा दर्शन। और जैसे आप देख सकते हो कि हम ये टांगा चलाते हुए पूरे मालवा का दर्शन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी 3 जगह पे अभी तक जा चुके हैं और भी और सारी जगह पे हम शूटिंग करने वाले, टांगा पे करने वाले हैं, खेत दिखाने वाले उज्जैन के, और इस तरीके से हमारा पूरा शूटिंग का शेड्यूल है क्योंकि हम जो ओरिजिनल मालवा का ब्यूटी है वो दिखाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि हम जितना अच्छा ये शहर है उतना ही अच्छा इस गाने के थ्रू हम लोगों के सामने लेके आए शहर को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? इंदौर शहर सातवीं बार बना और मैं चाहूँगी कि हमेशा बने क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्वच्छता की बात, मतलब मैंने आज तक यहाँ पे कोई गंदगी नहीं देखी है, हमेशा क्लीन देखा है और ये सिर्फ सरकार के उससे नहीं हो सकता, आई एम श्योर इसमें हम सबका हाथ है, सारे कॉमन पब्लिक का हाथ है, तभी ये पॉसिबल होता, वरना ये पॉसिबल था ही नहीं। तो ये सबके लिए बधाई का विषय है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं प्रशासन के साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी बधाई देता हूँ, आप सबके सहयोग से ही हम बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा संदेश है कि पहले जैसे हम टांगे पे सफ़र करते थे तब हमारा पोल्यूशन होता नहीं था, शुद्ध हवा मिलती थी, शुद्ध खाने को मिलता था, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, डीजल यूज़ हो रहा है, पोल्यूशन यूज़ हो रहा है, वैसे वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो क्यों ना फिर से हमें टांगा और इस तरीके के सफ़र को फिर से किया जाना चाहिए। हाँ, ये लगता है जी। देखिए, अगर हम ट्रैफिक है, सबको टाइम से पहुंचना होता है, बट ये हमें लगता है कि छोटे डिस्टेंस के लिए करना चाहिए शुरू, अच्छी बात है अगर लोग यूज करेंगे, एक नया एक्सपीरियंस भी है। कौन सा सॉन्ग का नाम है? मालवा दर्शन।
और नाम जैसा है मालवा दर्शन, वैसे ही हम मालवा का दर्शन करा रहे हैं। नाम बता दीजिए जी। मेरा नाम सुमन गुप्ता है। टांगे के लिए परमिशन आपने ली थी क्या? टांगे के लिए हमारे प्रोड्यूसर, यहाँ के प्रोड्यूसर सर ने लिया है। हम तो एक्टर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के प्रोड्यूसर्स ने लिया हुआ है। परमिशन की बात हो रही है। हाँ सर, ये एक्चुअली मालवा दर्शन में नलखेड़ा है आपका, भदवा माता है आपके, जना पाँव है, काटिया भील है, हम इन सब जगह जाने वाले हैं। कहाँ रिलीज होगा गाना? कैसे ये गाना सर रिलीज होना है? किसी बड़े चैनल पे होगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब बता पाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।